हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ एक कप चावल के आटे से 100 पापड़ बनाने की विधि। पापड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद सुंदर से बने हैं और ये क्रिस्पी भी अच्छे से हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, गैस ऑन नहीं है। पहले इस बर्तन में मैं लगभग 7 कप पानी ले रही हूँ। पानी का नाप वही रहेगा जिस बर्तन से आप चावल नापेंगे। बराबर रेशियो रखिएगा कि अगर एक कप चावल मैंने या एक कटोरी लिया है तो उस पर पहले मैं ये 7 कप पानी यहाँ डाल रही हूँ। इस पानी में पहले मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो चटपटापन इसमें डालना चाहते हैं आप डालिएगा। लाल मिर्च डालना चाहते हैं, काली मिर्च डालना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं सिंपल सादा सा पापड़ बनाती हूँ अपने घर में, तो सिर्फ हींग डाला है और नमक डाला है। अब क्या करेंगे, इसी पानी में, ठंडे पानी में ही चावल के आटे को मिक्स कर लेंगे। पानी जिस हिसाब से लिया था उसी हिसाब से चावल का आटा पूरा मैंने ऊपर तक नहीं भरा है। पानी भी मैं ऐसे ही डाल रही थी इसीलिए चावल का आटा भी उसी रेशियो में लिया है। अब इस चावल के आटे को इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स कर लेंगे। जब ये हम मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद ये घोल जैसा तैयार हो जाएगा। इसमें कोशिश करिएगा लम्स ना दिखाई दें। लम्स मीन्स थोड़ी छोटी छोटी जो गाँठें पड़ जाती हैं, ठीक है। वैसे तो ये चावल का आटा है, ठंडे पानी में आराम से बिल्कुल घोल जैसा बन जाएगा, गाँठें पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी अब जब इसमें हम मिक्स कर लेंगे इसको, तब गैस को ऑन करेंगे, ठीक है। ये अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ मैं, हो गया। अब क्या करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल हाई नहीं रहेगा, बिल्कुल स्लो नहीं रहेगा, बिल्कुल धीमा आँच कर दिया है कि आधे घंटे तक पका रहे हैं। धीमे से थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसे मैं पकाऊंगी और इतना पकाना है कि ये गाढ़ा सा एक घोल तैयार हो जाए। अब इसी में ये गाढ़ा होने लगा, 1 कप पानी मैंने और डाला, यानी कि टोटल इसमें मैंने 8 कप पानी डाला है। 1 कप चावल के आटे पे 8 कप पानी, बढ़िया सा गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। घोल ऐसा होना चाहिए जैसे आप पकौड़े के लिए बेसन के गाढ़ा सा घोल तैयार करते हैं। अभी ये पतला दिख रहा है, इसे और पकाते रहेंगे, लगातार चलाएंगे ताकि नीचे ये चिपकने ना पाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से नीचे चिपकेगा अगर आपने छोड़ दिया। 10 मिनट का काम है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। लगातार इसे चला लेंगे, खूब बढ़िया सा ये गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है ना, अभी देखिए ये धीरे 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 गाढ़ा होता जाएगा। इसे हम पकाते जाएंगे, लगातार चलाएंगे। अभी मैंने इसमें जीरा नहीं डाला है, जीरा मैं ये जब लगभग पक के तैयार हो जाएगा तब डालूंगी, ताकि इसमें कलर ना आने पाए जीरे का, नहीं तो जीरे का एक ब्लैकिश कलर निकलेगा, वो सफ़ेद पापड़ जो है वो आपके थोड़े से ग्रेइश कलर के हो जाएंगे, इसीलिए पहले नहीं डाला, अब डालूंगी। अब पापड़ का घोल लगभग तैयार है, अब इस पर जीरा डाल दिया। आपको अगर जीरा नहीं पसंद है, अजवाइन पसंद है तो आप वो डालिएगा, आपकी अपनी चॉइस होगी। घोल कैसे बनाना है ये बता दिया, गाढ़ा सा घोल तैयार है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा लगभग 5 मिनट लगभग ठंडा होने देंगे। क्यों ठंडा होने देंगे, क्योंकि प्लास्टिक की शीट पे अगर हम डालते हैं तुरंत का तुरंत, तो हो सकता है प्लास्टिक की शीट जो है वो इससे चिपक जाए ज़्यादा, तो नुकसान हो सकता है इसको। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, अब इसे फैला लेते हैं प्लास्टिक की शीट पे। आप अपने मन के हिसाब से इसकी बड़ा या छोटा पापड़ बनाएंगे। ये देखिए पापड़ की मोटाई ऐसी रखनी है जैसे कि सिक्का होता है ना, उतनी मोटी मोटे पापड़ की लेयर रहेंगी। अच्छा, सूखने के बाद क्या होता है, ये आधे थिकनेस में चले जाते हैं, यानी ये बिल्कुल पतले से दिखने लगेंगे, इसीलिए इसे मोटा डालिएगा जैसे सिक्का मोटा होता है। देखिए सूख के पतले दिख रहे हैं ना, पहले मैंने मोटे डाले थे, बढ़िया सूख के तैयार हो गए। 2 दिन लगे हैं इस पापड़ को सूखने में, बढ़िया धूप में सुखाइए। उसके बाद इस पापड़ को चलिए मैं तल के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जैसे हम इसे तलने के लिए डालेंगे ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे और वाइट से सुंदर से पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बनके तैयार हुए हैं। ये इतने अच्छे पापड़ हैं कि अगर बच्चे के दांत नहीं हैं, बुज़ुर्ग के दांत नहीं हैं, तब भी बड़े आराम से चाव के साथ में टेस्ट लेके खाएंगे। उन्हें इतना पसंद आएगा ना कि मेहनत लगनी नहीं है, और उन लोगों के लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। ये देखिए तैयार है ये चावल के पापड़, आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, ये पापड़ जैसा मैंने बताया है वैसे बने हैं कि नहीं बने ये भी देख लिया जाए।
ये पापड़ अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया हैं, आसानी से टूट जाएंगे, कितने बढ़िया, आराम से टूट गए ना, दांतों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे पापड़ बने हैं। तो फिर आपको ये विधि कैसी लगी, आप पापड़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा राइट साइड में रेड कलर के बटन को ऑन करके। थैंक यू, बाय बाय।